हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और दोस्तों, आप भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको हिंदी लिखने की जरूरत पड़ती है और मेरी तरह आप पर भी हिंदी लिखनी नहीं आती है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको हिंदी टाइपिंग सीखने की जरूरत है। आप जो भी इंग्लिश में टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। हो सकता है दोस्तों आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हो जिसमें हिंदी टाइपिंग मांगी जाती है, या आप एमएस वर्ड में अपना कोई लेटर टाइप करना चाहते हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें हिंदी टाइपिंग की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसके लिए गूगल इनपुट टूल में जाना है। जैसे मैं यहाँ पर गूगल इनपुट टूल में आ चुका हूँ, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर दोस्तों आप जो भी इंग्लिश में लिखेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको कुछ लिखकर भी दिखाया है, केवल आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर आप इंग्लिश में लिखते हैं हिंदी में टाइपिंग हो जाता है, उसे कॉपी करके जहाँ भी आप उसे पेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ भी आप लिखना चाहते हैं वहाँ पर आपको करना है। जैसे मैं दोस्तों एक उदाहरण आपको दिखा देता हूँ। हम आय जाति और मूल निवास का फॉर्म भरते हैं, यहाँ पर हमें हिंदी में टाइपिंग करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम यदि कुछ लिखना यहाँ पर चाहते हैं तो अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखा जाएगा, यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक नहीं होता है। अगर आप मोबाइल से कोई फॉर्म भरते हैं वहाँ पर आसानी से हिंदी में हो जाता है। अब इसके लिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं कोई फॉर्म भरता हूँ तो जो भी मुझे हिंदी में लिखना होता है उसे पहले यहाँ पर दोस्तों हिंदी में यहाँ पर लिख लेता हूँ। उसे लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसे कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कुछ नाम लिखकर आपको दिखा देता हूँ या कुछ भी आप टाइप करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा मैं खाना खा रहा हूँ। अब यहाँ से हमें जहाँ भी इसे लिखना है वहाँ पे क्या करना है, इसे कॉपी कर लेते हैं और जहाँ भी हमें इसे पहुंचाना है वहाँ पर आसानी से पेस्ट कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर एमएस वर्ड में ओपन कर चुका हूँ, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसे पेस्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। आप इसे जितना भी छोटा बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ पर एमएस वर्ड पे हम यहाँ पर है तो उतना ही छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे सेम हम लिखते हैं हिंदी में उसी तरीके से यहाँ पर आ जाता है, आपको कोई भी टाइपिंग सीखने की जरूरत नहीं है। आप अपना छोटा मोटा काम जो आप हिंदी में लिखना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्म किया था कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, यहाँ पर मैं आपको टाइपिंग करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर माता का नाम मांगा जाता है, पूरा आपका एड्रेस मांगा जाता है, तो उसके लिए क्या करना है, जो भी यहाँ पर आपका नाम हो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ IKRAMUDDIN, मैंने यहाँ पे लिखा अपने फादर का नाम, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अलग अलग तरीके में यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो जो सा भी यहाँ पर आपका मैच करता है वो यहाँ से आप उठा लेंगे, उसके बाद यहाँ पर इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद दोस्तों जहाँ पर भी आप इसे लिखना चाहते हैं वहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमने नाम पेस्ट कर लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से गूगल इनपुट टूल के द्वारा अपना कोई भी काम हिंदी में आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।